तालिब हमारे साथ मौजूद है। तला, आपका ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है? मैं खुद चलाता हूँ। आप बड़े एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर? जी। फेसबुक के ऊपर भी या सिर्फ ट्विटर के ऊपर? नहीं, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने जितने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है वो खुद हैंडल करता हूँ। मैं ये देख रहा था कि जब आपने पांचवी पोजीशन हासिल की और जब आपकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया गया, तो जिस तरह आप अपने ट्विटर अकाउंट को मैनेज कर रहे थे, लगा कि आप अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेटेड और मैनेज करके चलने का फन जानते हैं। जी जी, बिल्कुल। इनके साथ साथ मेरा बस जब मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ फोकस यही होता है कि बस हम मोबाइल बंद कर देना और ट्रेनिंग पे फोकस करना है। तो जिस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर स्टडी की फील्ड में था, मैट्रिक किया, तो उन स्टडी को भी मैंने पूरे फोकस से किया और मैट्रिक में अच्छे नंबर भी हासिल किए। और वेट लिफ्टिंग में जैसे सब जानते हैं, फोकस और जो मेरी लगन थी मेहनत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में आपने 62 केजी में 283 किलोग्राम वज़न उठाकर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और यहाँ पर आप 67 केजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे और यहाँ पर आप सिर्फ 2 केजी की वजह से जो है पीछे रह गए। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आप बताएंगे कि क्या ऐसी चीज़ें थीं जो शायद आपको पहले मिल जाती तो ये 2 किलो का जो मसला था ये भी हल हो जाता? 2018 के बाद हमारा कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल थे वो परमानेंट मौजूद नहीं थे, जो आगे एक प्लान बना सकते थे कि आगे स्पोर्ट्स को हमने किस तरह ले कर चलना है। तो इधर काफ़ी ज़्यादा जो, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप्स मैंने अटेंड किए थे, ट्रेनिंग कैंप मुख्तलिफ कोचेज़ के पास मैंने ट्रेनिंग की थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। उसके बाद वहाँ पे इक्विपमेंट भी आपको स्टैंडर्ड का मिल जाता है। तो स्कूल में मैं ट्रेनिंग करता था, इक्विपमेंट नहीं था मेरे पास लेवल का, इक्वल नहीं था लोकल, बिल्कुल जो पाकिस्तान में बंदा था वो इक्विपमेंट था। तो एक साइड पे अगर 20 kg का पेयर है तो एक साइड पे 19 किलो 500 ग्राम है और एक साइड पे 20 किलो 500 ग्राम है। तो जब उधर जाते थे तो दोनों साइडों पे इक्वल, तो जो 2 किलो का मेरे ख्याल से डिफरेंस निकला है वो मेन जो कॉज था वो ये था कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था। तो वहाँ पे क्योंकि जो जैसे साहब ने देखा कलर्ड वेट होता है, मुख्तलिफ कंपनीज का होता है, उसका उठाना, उसकी टेक्निक बिल्कुल लो। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में परमानेंट डायरेक्टर ना होने की वजह से आपको जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं मिल सके, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ आपकी 2018 कॉमनवेल्थ के गेम्स के बाद जो आपके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत थी वो नहीं दी गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मेरे ख्याल से ये बनती है जिम्मेदारी कि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान दे, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्हें कहें कि फेडरेशन से कॉन्टैक्ट करके, ओलंपिक एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट करके। ओलंपिक एसोसिएशन तो अंडर अम्ब्रेला इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की आती है, लेकिन ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है ये तो अंडर पाकिस्तान हुकूमत की आती है ना, तो आप कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तवज्जो नहीं दे रही, तो हुकूमत पाकिस्तान आपकी इस आवाज़ पर जगाएगी स्पोर्ट्स बोर्ड को, क्योंकि आपकी जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, और उन्होंने आपके लिए क्या किया, उन्होंने आपके लिए कोई डेडिकेटेड कोच रखा या आप तो अपनी मदद आपके तहत काम करें? इसमें मुझे मेरी ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त कोच की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे वालद साहब खुद मेरे कोच हैं, तो सब जो जानते हैं वेट लिफ्टिंग को उन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि किस तरह, किस लेवल के वो कोच हैं और उनकी कोचिंग में मैंने क्या क्या अचीव किया।